हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी। जैसे कि आप सभी को पता है कि एचपी सेट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है एचपीपीएससी द्वारा। आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में जो कंडक्ट हुआ था, और उसका रिजल्ट जो है आज यानी कि 19 सितंबर 2024 को जो है एचपीपीएससी द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सभी को आइडिया होगा, रिजल्ट आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने वीडियो जो है वो शेयर की है, आप देख सकते हो उसको, जिन जिन कैंडिडेट ने क्वालिफाई जो है अपना जो पेपर है वो किया हुआ है। जब आप जिन जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिया है, अब उनको ये डाउट हो रहा होगा कि जब उन्होंने पेपर एक बार क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद उनका एचपी सेट का जो सर्टिफिकेट है, जो क्वालिफाई करने का सर्टिफिकेट है, वो आपका जो है वो किस तरह से आपको मिलेगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि सेट का जो पेपर है, आपको आइडिया होगा ही, जिन्होंने सेट क्वालिफाई किया, ऑब्वियसली सेट एग्जाम दिया है तो आपको क्लियर ही होगा कि सेट और नेट का मतलब क्या होता है, किस चीज के लिए आपको जो है ये एलिजिबल बनाता है। सेट और नेट के जो आपके एग्जाम होते हैं, वो दोनों जो एग्जाम होते हैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल जो है आपको बनाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आप इसके थ्रू जो है वो बन सकते हैं। अब बात आती है इन दोनों में जो है वो किस तरह से सेट और नेट आपको एलिजिबल करते हैं। सेट जो है आपका, ये आपका रहता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सेट का आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी तरह से नेट जो आपका होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इस बात का आप सभी को पता ही है। सेट और नेट जो है, जब आप सेट और नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप डायरेक्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसका एक क्राइटेरिया होता है, जिस तरह से आप अगर टीचिंग के एग्जाम की मैं बात करूं, टेट आप देते हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद आपको पीजीटी फाइट करना पड़ता है, टीजीटी फाइट करना पड़ता है, यानी कमीशन आपको जो है वो देने पड़ते हैं। सिमिलर उसी वे में सेट और नेट जो है आपके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो आपको एलिजिबल बनाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यानी कि जब भी एग्जाम आएगा, कॉलेज कैडर का एग्जाम आएगा, किसी कॉलेज में वैकेंसी आएगी, किसी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आएगी, तो आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये जो है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सेट जो आपका होता है स्टेट लेवल पे होता है, और नेट जो आपका नेशनल लेवल पे होता है। स्टेट लेवल का, जैसे आपने एचपी सेट क्वालिफाई किया है, हिमाचल प्रदेश का सेट क्वालिफाई किया है, तो जब कभी फ्यूचर में हिमाचल प्रदेश की जो है वो वैकेंसी आपकी रिलीज होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप जो है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और कमीशन जो है वो फाइट कर सकते हो, यानी कमीशन का एग्जाम जो है आप दे सकते हैं। जिसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है डिफरेंट जगह पे, जब स्टेट डिक्लेयर करती है उसका भी, जिस तरह से हिमाचल डिक्लेयर करेगी तो आप उस टाइम जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न उस टाइम देख सकते हैं। वैसे ही अगर नेट की मैं बात करूं तो वो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे कि सी टेट होता है। यानी कि आप किसी भी अपने पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में जो है अगर वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो है वो क्वालिफिकेशन है, नेट आपके पास क्वालिफिकेशन है। ये आपको क्वालिफाई यानी एलिजिबल बनाती है असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम्स के लिए कम्पीट करने के लिए। बात आती है जिन्होंने एचपी सेट का एग्जाम आज क्वालिफाई कर लिया है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो आपको किस तरह से मिलेगा। एक और चीज की, जो सेट और नेट के जो सर्टिफिकेट होते हैं, वो आपको आइडिया होगा कि वो जो है आपके लाइफ टाइम जो है वो वैलिड रहते हैं। लाइफ टाइम वैलिड का मतलब है कि उनके लिए आपको दोबारा जो है एग्जाम नहीं देना पड़ता है। सेट और नेट की अगर मैं बात करूं, सो अगर आपने एक बार अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप फ्यूचर के लिए भी एलिजिबल है। मतलब जब भी किसी भी स्टेट, किसी भी अपनी स्टेट की अगर आपने किया हुआ, हिमाचल में कभी भी वैकेंसी आएगी तो आप एलिजिबल है, आपको दोबारा ये टेस्ट जो है वो देना नहीं पड़ेगा। बात करते हैं सर्टिफिकेट की, कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, जो एलिजिबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है वो कैसे मिलता है। पहले अगर मैं बात करूं नेट के एलिजिबिलिटी वाले सर्टिफिकेट की, वो आपको कैसे मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया भी होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि नेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन मिलता है। ऑनलाइन मतलब कि जैसे आपकी लॉगिन आईडी होती है, जहां पे हमने फॉर्म फिल किया होता है लॉगिन आईडी पासवर्ड करके, तो वहां वहीं पे जो है आपका सर्टिफिकेट वो आपको डाउनलोड करने के लिए सेंड कर देते हैं। उस तरह से आप नेट का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हो सकता है एचपीपीएससी भी अभी जो है वो लेटेस्ट ऐसे चीज करे, जैसे क्योंकि अभी एचपीपीएससी ने भी अपनी लॉगिन आईडी बनाई हुई है, आपका एक अलग जो है वो प्रोफाइल बना होता है, उसी प्रोफाइल में आ जाएगा आपको कि क्वालिफाइड है, और आपका सर्टिफिकेट क्या पता उसी में जो है वो दे, क्योंकि अभी तक उन्होंने यही किया है। जैसे कि आपने
जब आपके आंसर की आई थी उसके लिए भी आपने ऑनलाइन ही जो है अभी ऑब्जेक्शन रेज किए थे, उससे पहले ऑफलाइन होते थे। लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्टिफिकेट का जो अभी तक HPPSC का क्राइटेरिया था, यानी कि अभी तक जो है ऑफलाइन लिए जाते थे, तो उसके लिए आपको जो है वो क्या क्या करना पड़ता था अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है। अगर आपने HPPSC में ये वाला सर्टिफिकेट लेना है, HPSET का सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपके पास जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होनी चाहिए। 10th+2, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपने एग्जाम दिया है। देन उसके बाद आपका अगर मतलब कि जो भी आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, हिमाचल बोनिफाइड का सर्टिफिकेट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपने HPSET का जो फिल किया था, आपकी प्रोफाइल से इजिली जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। आपका एडमिट कार्ड भी वहीं से जो है इजिली डाउनलोड हो जाएगा, और रिजल्ट की कॉपी जहाँ पे आप जो है वो प्रूफ कर पा रहे हैं कि आपने भी ये क्वालिफाई किया हुआ है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, इनकी कॉपी। और उसके बाद इनकी कॉपी लेकर के आप HPPSC के ऑफिस खुद जा सकते हो जो कि शिमला में है, या फिर आप बाई पोस्ट इनको जो है ये कॉपी सेंड कर सकते हो। विद एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आपने इसमें लिखनी है कि मैंने जो है इस रोल नंबर से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और SET 2023, क्योंकि आपका था SET 2023, क्वालिफाई किया हुआ है। आप मुझे कृपया मेरा जो HPSET का सर्टिफिकेट है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है, वो इस एड्रेस पे जो है वो सेंड कर दीजिए। आपने एड्रेस उसमें लिख देना है, ठीक है। ये सारी चीजें एप्लीकेशन लिख के आपने कर देनी है। आप खुद जाके भी ये सारी चीजें वहां पे दे सकते हो अटैच करके, या फिर बाय पोस्ट भी जो है आप वहां पे सेंड कर सकते हो। बाद में जब वो अपना सर्टिफिकेट मतलब बना लेंगे तो वो आपको उसी एड्रेस पे जो है वो सेंड कर सकते हैं। जब भी मतलब बन जाएगा तो आपके एड्रेस पे बाई पोस्ट जो है वो सर्टिफिकेट पहुंच जाता है। अब बात आती है कि अभी आपको ये करना है या थोड़ा टाइम रुकना है। देखो, जैसे क्राइटेरिया रहता है, थोड़ा टाइम तो लेते हैं HPPSC वाले। अभी जो है जैसे कट ऑफ भी आएगी आपकी HPSET की, अभी तक कट ऑफ नहीं रिलीज की गई है। अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट निकाला गया है, रोल नंबर वाइज लिस्ट दी गई है, जिनका रोल नंबर वहां पे है वो क्वालिफाइड है, ये उन्होंने बताया है। कट ऑफ भी आती है कि कितने मार्क्स जो है वो किस स्टूडेंट के हैं, कितने मिनिमम जो है वो कितनी कट ऑफ गई है किस कैटेगरी की, वो भी एक लिस्ट आती है। उसके बाद आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या हो सकता है उस टाइम वो लिख के दे दें कि ऑनलाइन ही देने वाले हैं, या फिर आपने ऑफलाइन जो है वो सर्टिफिकेट लेना है। फिर भी अगर डाउट है तो आप HPPSC को कॉल करके जो है इंक्वायरी सेशन में जो भी उनका वो होता है वहां पे पूछ सकते हैं कि ऑफलाइन दोगे या ऑनलाइन दोगे। लेकिन अगर ऑफलाइन हो रहा है तो ये क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपको जो है वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। अब ये तो बात थी जिन्होंने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अपना सेट का पेपर जो है वो फिल किया था उस टाइम पे जब उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, यानी अभी तक तो उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। और ये बात मैंने उस टाइम भी क्लियर की थी जब HPSET का फॉर्म फिल हो रहा था कि जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं वो जो है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात आती है जैसे मैंने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। अब आपने तो अभी तक क्वालिफाई की ही नहीं है, जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी तक क्वालिफाई नहीं की है उनके लिए ये चीज है। देखो, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है आज, यानी कि 19 सितंबर 2024 को। जैसे कि नेट में एक क्राइटेरिया रहता है JRF वाले स्टूडेंट्स के लिए कि within 2 ईयर वो जो है कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, वही क्राइटेरिया सेट का भी रहता है within 2 ईयर्स, यानी कि 19 सितंबर से लेकर के 2024 से लेकर के 19 सितंबर 2026 के बीच में आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस बीच में आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपने सारे सर्टिफिकेट लेके अपनी CMC जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की बन जाएगी उसको लेके फिर बाद में वही क्राइटेरिया फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया, बाई पोस्ट या फिर HPPSC के ऑफिस जाके वहां पे आप जो है अपना सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। आपको वहां पे बताना है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी थी वो मैंने फुलफिल कर ली है, अब आप मुझे जो है मेरा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दीजिए। ये इनका क्राइटेरिया रहता ही है। जिन भी स्टूडेंट को डाउट है, वो कंफ्यूजन में होंगे कि अभी तो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट है नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है नहीं, तो हम कैसे अप्लाई कर दें सर्टिफिकेट को लेने के लिए, क्या इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो HPSET है जो हमने क्वालिफाई किया उसका कोई मतलब नहीं है,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी आप कितने मतलब सेकंड ईयर में होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो सेकंड ईयर में होंगे या फिर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में होंगे, जहां भी जिस भी अभी आप पोजीशन पे हो, बहुत टाइम है अभी आपके पास, 2026 तक 2 साल का टाइम देते हैं। रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर किया होता है उसके 2 साल के अंदर, आज 19 सितंबर को डिक्लेयर किया है, सो 19 सितंबर 2026 तक का आपके पास टाइम है। तब तक आप जाके वहां पे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो वहां पे जाके जो है आप दे सकते हैं, और उसके बाद वो आपको जो भी आपका HPSET क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो देखो, इस डाउट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जब मैंने क्वालिफाई किया था उस टाइम भी मुझे डाउट था कि ऐसा कैसे मैं सर्टिफिकेट लूंगी। तो जिनका भी डाउट है वो यहाँ पे होप सो क्लियर हुआ हो। जिनकी और बाकी जिन लोगों को आप जानते हो जिन्होंने HPSET क्वालिफाई किया है, उनके साथ भी आप जो है ये शेयर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कोई सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की। बाकी होप सो मैंने आपके बहुत सारे डाउट क्लियर किए हो, अगर नहीं हो पाए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगी उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, थैंक यू सो मच।